वेलकम बैक टू फिल्म डॉक्टर ऑफिशियल। तो भाई आज हमारे घर में हमारे घर की स्पेशल डिश बनी है। दो तीन डिशें जो स्पेशल हैं वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा जब जब बनेंगी। तो एक आज बनी है और नीचे सब वेट कर रहे हैं खाने पे। वेट तो नहीं कर रहे होंगे, खा चुके होंगे, लेकिन मुझे तो खाना है ना भाई, तो जल्दी से नीचे जाते हैं। मैं आपको स्पेशल डिश दिखाता हूँ और उसके बाद फिर ये पीछे पड़े हुए हैं मेरे के बाहर लेके चलो चक्कर पे। दो दिन हुए सिर्फ नहीं गए, तो ऐसे हो रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो फिर इनको चक्कर में लेके जाएंगी और उसके बाद सरप्राइज देना है सिस्टर को लैबा की बर्थडे आज 12 के बाद। लेकिन उसका हम केक कट नहीं करेंगे, वो क्यों, क्योंकि कल हम जाएंगे उसकी स्पेशल बर्थडे सेलिब्रेट करने होटल पे। तो अभी जस्ट उसको मैं विश करके और गिफ्ट दे दूंगा। मीठे चावल नहीं है, ये है हमारे यहाँ के स्पेशल प्रॉन बिरयानी, हमारे घर की स्पेशल प्रॉन बिरयानी। अब भाई थोड़ी सी भिंडी खा के बाकी ये खाएंगे, ये स्ट्रेटेजी है। जल्दी से खाना खाते हैं और फिर देखते हैं इनको चक्कर पे लेके जाना है। तो भाई हम निकल आए हैं बाहर और इनके सिर पे के चक्कर पे चलो। हालांकि मुझे नींद बहुत आ रही थी, लेकिन हम ये कह रहे हैं चक्कर पे चलो चलो, तो चलो चलते हैं। तो अब देखते हैं कहाँ जाना है भाई। पिज्जा फ्राइज खाने। अभी तो खाना खा के निकले हो, कितना खाते हो? कम खाया आज। ये क्या बात है, खाना कम खाया, पिज्जा फ्राइज खाए, फिर उसके बाद गोला गंडा खाएंगे और फिर लिमका पिएंगे। ईद तो खत्म हो चुकी है, आफ्टर पार्टी। बाहर चलो दुकान दिखाता हूँ बाहर से पीला फिराज की, फिर गोले गंडे वाले के पास जाते हैं, वहाँ से बाहर से देखते हैं उसकी पिक्चर लेते हैं और फिर आ जाएंगे। ये करके देखते हैं आज। भाई यहाँ पे इनके पास आए, लेकिन ये कह रहे हैं पीला फिराज नहीं है। कब से आएंगे पीला फिराज आपके पास? जुमे के दिन। अभी नहीं है, अब अभी फिलहाल आ गए तो सादे फ्राइज ही खा लेते हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। तो पहले खा के गए। हाँ माइक कैसे पकड़? हाँ थोड़ी दूर में डाल दे साइड में, अब इस पैडल भी लेंगे अभी। हाँ साइड में डाल दे भाई। अब फ्यूजन फ्राइज के आज फर्स्ट टाइम ये सादे फ्राइज ट्राई करूंगा, क्योंकि पीला फ्राइज खाने आए थे, मुझे तो नहीं खाने थे, जिसको खाने थे उसको मिले नहीं। तो मैंने बोला यार चलो मैं खा लेता हूँ सादे फ्राइज और स्पाइरल भी, वो तो हम पहले भी खा चुके हैं, तो वो जब तक बने तो जब तक हम सादे फ्राइज खा के चेक करते हैं इसके किसे इसके फ्राइज अच्छे होते हैं जैसे जैसे भी हों। फ्राइज यार अच्छे हैं इसके, और ये जो वाइट सॉस दी है ना ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तो अब जल्दी से खाते हैं इसके। मैंने जो भी स्पाइरल और सादे फ्राइज ये अभी मैंने खाए हैं और पहले एक फ्राइज खाए थे, सभी अच्छे हैं। पीला फ्राइज नहीं खाए, वो भी कभी आएंगे खाने, अगर फ्राइडे को टाइम मिला तो फ्राइडे को ज़रूर चक्कर लगाएंगे। तो जल्दी से खाते हैं जब तक स्पाइरल भी बन जाए, फिर वो लेते हैं और फिर दूसरी जगह मूव करते हैं। आइसक्रीम खाने आए हैं और ये हैदराबाद की सबसे मोस्ट फेमस आइसक्रीम पार्लर पर हम आए, और यहाँ पर मैं आता नहीं हूँ, रश बहुत होती है और आइसक्रीम भी एवरेज होती है, कोई इतनी अच्छी नहीं, लेकिन रश होता है तो अब हम भी आ जाएं काफ़ी टाइम के बाद। रश चेक करें आप, हाउस फुल है, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं आता। तो रश देखें, अब यहाँ पे हमने टोकन तो ले लिया है। एक पाइनएप्पल एक कुल्फा डबल स्कूप, हाँ एक पाइनएप्पल एक कुल्फा डबल स्कूप है, एक कोन में ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी चीज केक। एक कोन में है, एक डबल स्कूप कोन में। अरे कहना क्या चाहते हो? Thank you.
भाई 500 में 140 रुपए वापस आए क्या? वो पाइने पे लाइन पे वो फुल कॉम भाई। अब जो है ये मैं उठाऊंगा कप वगैरह, तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। भाई हैदराबाद का बहुत फेमस आइसक्रीम पार्लर है, और आपको भी पता होगा या जो भी हैदराबाद में आए उसको पता होता है भाई, अल्पाइन जिला तो जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस है। अब उसकी आइसक्रीम कितनी अच्छी है ये तो खाने के बाद ही पता चलता है, लेकिन वैसे एवरेज है, कोई इतनी आउट क्लास भी नहीं है और बुरी भी नहीं है, काफ़ी अच्छी आइसक्रीम है। और मैं काफ़ी टाइम बाद इसकी खा रहा हूँ, तो ब्लूबेरी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फ्लेवर, ट्राई करते हैं। ब्लूबेरी इसकी हमेशा की तरह काफ़ी अच्छी, बाकी फ्लेवर्स की मैं गारंटी नहीं दे रहा। हाँ पाइनएप्पल अच्छा है और ब्लूबेरी अच्छी है, ये दो फ्लेवर इसके मैंने पर्सनल टेस्ट किए हुए बहुत अच्छे हैं। और एक बटर स्कॉच है, अब वो अभी था अभी नहीं था, लेकिन अब वैसे रखते हैं नहीं रखते मुझे नहीं पता, मेरा लबीरो नहीं था, वो भी बहुत अच्छा है। बीच में इनकी क्वालिटी बहुत डाउन हो गई थी, पूरे हैदराबाद में इनकी ब्रांचेस खुली थी फिर बंद होना शुरू हो गई, अब 3 या 4 ब्रांच है पूरे हैदराबाद में, लेकिन अब इनकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो चुकी है पहले के मुकाबले। तो खाते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। घर आ गए हम, और सरप्राइज ये है कि सिस्टर की ये बर्थडे, और शायद उसको पता नहीं है पर याद तो होगा उसको, लेकिन हम सेलिब्रेट अभी नहीं कर रहे, उसको अभी विश करते हैं और गिफ्ट उसके लिए मैं लेके आता तो उसको गिफ्ट दे देते हैं। सेलिब्रेट जो है वो कल जाके होटल में करेंगे, तो केक वगैरह भी वहीं पे कट करेंगे, अभी जस्ट उसको विश करके और गिफ्ट दे देते हैं। तो उसको ये तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि गिफ्ट देंगे या केक वगैरह का है, लेकिन वो उसको हम कल सरप्राइज देंगे होटल में, तो अभी जाके उसको गिफ्ट देते और विश करते। कौन रैम्बो? हैप्पी बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे का। थैंक यू। केक हम कल काटेंगे तुम्हारा। सही है। चलो रैम्बो। तो ये थी आज की वीडियो, और ये हमने सरप्राइज दिया, अब इंशाल्लाह इसका हम जाके होटल में सेलिब्रेशन करेंगे, तो उसका भी मैं व्लॉग जरूर बनाऊंगा। तो तब तक के लिए आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब लाइक FS Vlogs Official। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।